क्लब टेस्ट ओके ये कॉन्सेप्ट पता है ना, बेसिक सब लोगों को पता है, लेकिन उन लोगों को खुद को पता नहीं रहता कि मुझे पता है. पता तो सब लोगों को रहता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बेसिक कॉन्सेप्ट है. हाउ मेनी ऑफ यू नो बेसिक वाला? रूल्स बहुत सारे हैं, बट द बेसिक थिंग हम लोग ने बहुत बार किया है लेक्चर के टाइम भी. समबडी इज मिसिंग, कोई गया है बाहर? बोलो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. आई एम नॉट गोइंग टू आस्क, किसको पता है, लेकिन खाली बोल दो व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. वन गुड. बहुत बार किया हम लोग लेक्चर के टाइम. यू फॉरगॉट? फॉरगॉट? अरे वी हैव डन इट टुगेदर, साथ में किया है. अरे हाँ, हर एक लेक्चर में होता है. बोलो बोलो. आई प्ले किया है ना सब्जेक्ट और वर्ब. लाइक कोई भी सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? विच आर द थ्री बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एनी सेंटेंस? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. राइट? मुझे लगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलो. लाइक ही इन दिस केस व्हिच इज द सब्जेक्ट व्हिच इज द ऑब्जेक्ट? सब्जेक्ट कौन सा है? He is the subject. Yeah. Correct, ना? Subject, verb and object, right? So subject verb agreement क्या बोलता है कि subject जो अगर singular रहेगा, it's very simple concept. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगा. एंड सब्जेक्ट इज प्लूरल देन द वर्ब आल्सो विल बी प्लूरल. दैट्स ऑल. एंड दे एग्री विद ईच अदर, इसलिए कॉन्सेप्ट को बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. एंड ये सिंगुलर है तो दिस आल्सो विल बी सिंगुलर, दिस इज प्लूरल, दिस आल्सो विल बी प्लूरल. खाली एग्री करने, दैट्स व्हाट इट्स कॉल्ड एज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. नाउ ही क्या है इधर? व्हाट विच इज सब्जेक्ट इन द फर्स्ट केस? ऑफ कोर्स ही ना. सब्जेक्ट क्या होता है पहले? हाउ टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट? ये सब्जेक्ट है सेंटेंस का कैसे पहचानते हैं? जिसके बारे में सेंटेंस है या फिर जो एक्शन परफॉर्म करता है नॉर्मली, राइट? जो एक्शन परफॉर्म करता है. यस यस. तो इसमें ही के बारे में ना, तो ही विल बी माय सब्जेक्ट. और जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है, किसके ऊपर एक्शन हो रहा है? क्रिकेट खेलने के ऊपर ना, तो क्रिकेट विल बी माय ऑब्जेक्ट, राइट? ही सिंगुलर है या प्लूरल है? तो अगर ये सिंगुलर है, योर वर्ब इज सिंगुलर और प्लूरल? सिंगुलर. सिंगुलर याद रखो, विद एस वाला वर्ब हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है. Any verb having s is a singular verb. Day के साथ क्या आएगा? Day. Play. Yeah. This is plural, ना? So this also is plural. तो सबसे important thing ये याद रखो, अगर कोई verb के साथ s होते, normally हम लोग ने क्या पढ़ा है? अगर s रहेगा तो plural होता है ना, like boy का boys होता है, girl का girls होता है. लेकिन दिस इज ओनली ट्रू फॉर नाउन. वर्ब में एक्जैक्टली कॉन्सेप्ट, वर्ब पता है ना, एक्शन वर्ड. तो वर्ब में एक्जैक्टली कॉन्सेप्ट उल्टा करना है. जैसे कोई वर्ब के साथ इफ देयर इज एनी एस विद द वर्ब, इट विल बिकम प्लूरल, सिंगुलर, सॉरी. याद रहेगा ना, इतना सिंपल सा बात. ओके, नाउ हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं? व्हाट आर हेल्पिंग वर्ब्स? ही, शी. नहीं नहीं नहीं, वो प्रोनाउंस है. इज, एम, आर, वाज, वेयर. यस यस. लाइक इधर वैसे ही प्लेस क्रिकेट, करेक्ट है ना ग्रामेटिकली. लेकिन अगर मैं वही सेंटेंस टेंस थोड़ा चेंज करता हूँ, इसमें भी तीनों पार्ट्स है ना. इसमें भी सब्जेक्ट था, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है. इसमें भी सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है. बट देन ऑल्सो इट्स नॉट मेकिंग प्रॉपर सेंस. क्या मिसिंग है? इज. तो ये इज जो है क्या कर रहा है? जो प्लेइंग इज माई मेन वर्ब ना, इसको हेल्प कर रहा है सेंस कंप्लीट करने के लिए, सेंटेंस का सेंस कंप्लीट करने के लिए. तो इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब. और ऐसे कौन से वर्ड्स हैं? इज, आर, वाज, वर, एम, हैज, हैव, राइट ना? तो जस्ट रिमेम्बर दिस, कुछ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स. ओके, ये कुछ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स है.
ये प्लूरल सेंस में होते हैं, राइट? अपार्ट फ्रॉम हैव, हैव ऑफ कोर्स एक्सेप्शन है, आई और यू के साथ, ये बहुत है सिंगुलर, लेकिन ये होता है क्योंकि पर्सनल प्रोनाउंस है. ओके, आई के साथ क्या होता है? हैज या हैव. आई हैव डन इट ना, आई हैज डन इट, एंड इवन यू हैव डन इट, यू डोंट से यू हैज डन इट. तो नॉर्मली ये सब प्लूरल के शब्द हैं, ये खाली दो तीन एक्सेप्शन है क्योंकि पर्सनल प्रोनाउंस, राइट? जस्ट मेक अ नोट ऑफ दिस थिंग्स क्योंकि ये थोड़ा आगे पे एप्लीकेबल. Okay. आई ना हैव ना, आई सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है. नॉर्मली हैव हम लोग प्लूरल के साथ यूज करते हैं ना, ये तो एक्सेप्शन है. आई सिंगुलर होने के बाद भी हम लोग उसके हैव के साथ यूज करते हैं. आई के साथ भी हैज सिंगुलर होता है ना, लेकिन नॉर्मली हम लोग हैव और आई और यू के साथ भी यूज करते हैं क्योंकि पर्सनल प्रोनाउंस है. एक्सेप्शन है, रूल्स फॉलो नहीं कर रहे. हो गया? ओके, दिस वाज द बेसिक थिंग. ये सब लोगों को पता था ना. नाउ देयर आर क्वाइट अ फ्यू रूल्स जो हम लोग को पता होने चाहिए. एग्जाम में एक्चुअली स्पॉटिंग, एरर स्पॉटिंग वगैरह में आता है या फिर क्लोज टेस्ट के टाइम दिस विल बी वेरी यूजफुल. ओके, मैं भी कुछ सेंटेंसेस लिखूंगा, उसमें हेल्पिंग वर्ब्स के दो ऑप्शंस रहेंगे, लाइक सिंगुलर और प्लूरल दोनों. यू हैव टू चूज देम अकॉर्डिंगली, देन वी विल डिस्कस द राइट वन. ओके,
चलो लिखो ये एंड टेल मी द राइट ऑप्शन. रेज योर हैंड्स फर्स्ट. सो स्क्रीन जूम आउट हो गया. सो आवाज नहीं आ रहा है. हेलो. हेलो. हेलो सर. सर इज इन म्यूट. सर ने ये एक्सप्लेन किया क्या? नहीं 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 सर म्यूट में थे. सर उधर ऑफलाइन वाले को बता रहे थे.
Okay, now you can hear. Okay, Ullu, you said you rule kisne follow kiya, only she is following the rule. Aur kisi ko rule pata hai? 1 2 और बॉयज नहीं बोलो ये साइड रूल पता है नहीं बोलो बोलो गिव योर इंटरप्रिटेशन ओके अच्छा इसमें सब्जेक्ट कौन सा है फर्स्ट सेंटेंस में विच इज द सब्जेक्ट एक तो यू है और दूसरा योर फ्रेंड आई एम जस्ट कंसीडर राइट ये सब्जेक्ट वन है ये सब्जेक्ट टू है सेकंड में सेकंड सेंटेंस में आपका आवाज में राजेश दिस ये क्या है सिंगुलर है एंड दिस इज हेलो 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 अभी आ रहा है हाँ सर नाउ इट्स फाइन सर अच्छा हाँ मैंने अभी तक कुछ स्टार्ट नहीं किया मैं एक्सपेक्ट हाँ ओके अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ डोंट वरी ये अच्छा आई जस्ट रिपीट दिस ये तीनों सेंटेंस है ना इसमें सब्जेक्ट्स कितने हैं मेरी आवाज आ रही है ना तीनों सेंटेंस में कितने सब्जेक्ट्स हैं यू एंड फ्रेंड इज सब्जेक्ट तीनों में दो दो सब्जेक्ट्स है ना तीनों सेंटेंसेस में राइट यस सर सिंपल सा रूल है अगर दो सेंटेंस दो सब्जेक्ट्स हैं और लोग ज्वाइन किया हम लोग ने यूजिंग दिस वर्ड्स अलोंग विद या फिर टुगेदर विद या फिर एज वेल एज या खाली विद अगर मेरे दो सब्जेक्ट्स ऐसे वर्ड से ज्वाइन किए अलोंग विद टुगेदर विद तो जो मेरा वर्ब रहेगा ना इसका जो वर्ब आएगा दैट विल ऑलवेज एग्री विद द फर्स्ट सब्जेक्ट वर्ब मुझे जो डालना है ना वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार डालना है सेकंड सब्जेक्ट से मतलब ही नहीं मुझे समझ में आया तो दिस वर्ब विल ऑलवेज एग्री विद द फर्स्ट सब्जेक्ट तो इन दिस केस मैं सेकंड सब्जेक्ट देखूंगा ही नहीं समझ में आया तो इसमें फर्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है यू यू के साथ हैज जाता है या हैव जाता है दैट्स व्हाई इधर हैव आएगा सेकंड में पेरेंट्स प्लूरल है ना तो आर क्या इज आर दैट्स व्हाई इधर आर आएगा थर्ड में पहला सब्जेक्ट क्या टीचर सिंगुलर तो इज या आर इज दैट्स व्हाई समझ में आया ना तो जब भी ऐसा कॉम्बिनेशन आता है विद द हेल्प ऑफ दिस तो यू हैव टू ऑलवेज लुक एट द फर्स्ट सब्जेक्ट नॉट एट द सेकंड सब्जेक्ट ओके सो जस्ट मेक अ नोट ऑफ दिस सर आपने ये अलोंग विद टुगेदर विद और एज वेल एज का क्या बोला सब्जेक्ट अगर दो सब्जेक्ट होगा ना तो सब्जेक्ट वन कंसिडरेशन होगा करके बोले सर ओके ओके
सब्जेक्ट वर्ब को ही कंसिडर करना है, लेकिन तभी ऐसे ऐसे वर्ड्स आएंगे बीच में या जब वर्ड्स ये वर्ड्स के लिए खाली ये रूल है, कुछ वर्ड्स अलग अलग आ जाएंगे मैं आगे सिखाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल याद रखो ये वर्ड्स बढ़ेंगे तो ही, अलॉन्ग विद टुगेदर विद एज वेल एज विद ये वर्ड्स रहेंगे तो ही, ओके। तो फर्स्ट सब्जेक्ट को ही कंसिडर करना है, सेकेंड सब्जेक्ट को नहीं कंसिडर करना है। सर वॉल्यूम नहीं आ रहा है। Two subjects are joined by this words along with together with या with या as well as if they are joined with two words like this you'll just see this if this is singular you'll put a singular verb if this is plural you'll put a plural verb ये second की तरफ ये बगैर चीज नहीं है you'll just see this okay here it is This is clear now, I'll move to the second one. With the second one. चलो दिस वन देखो ध्यान दो अगेन रेज यू एंड डोंट गिव द आंसर ब्रेड एंड बटर इज माय डेली ब्रेकफास्ट आर माय डेली ब्रेकफास्ट इज आर Now, Abhi, horse and carriage was a popular yeah, word. Word. Was. ये जरा और दो तीन एग्जांपल देता हूँ. This one, Rahul and Atul is R. coming or are coming? ये सब confidence के साथ. R. First वाले में क्या बोला? Is. Second वाले में R. R. Was. Was. And third वाले में R. Why so? Concept तो same ही है ना? And. Breakfast के लिए. Thank you.
ओके One, two, three, four. The last one, the bread and butter in the shop is stale, yeah, are stale. She's confused. R. First mein is aayega, first wale mein last mein R aayega, right? Aslisha, is an R or yeah, RN is? Yeah, same. Why so? Second, don't know. Third one mein R aayega, right? All of you saying, why? R. Ye and wala concept na, 1+1, 2 hota hai, plural ho jata, right? Now, isme bread and butter, jab main bread aur butter khata ho, to khate hai na, tum log breakfast ke liye, bread ke upar butter lagte hai na, तो दोनों अलग रहते हैं लेकिन व्हेन यू कंज्यूम देम दे बिकम एक ही हो जाता है ना दैट्स व्हाई क्या आएगा फिर इज समझ में है ना क्योंकि दे आर टेकन टुगेदर दे आर कंज्यूम टुगेदर हॉर्स एंड कैरेज मतलब क्या होता है उसका हॉर्स एंड कैरेज घोड़ा गाड़ी तो घोड़ा आगे जाता है पीछे से आती है या साथ में जाते हैं ना दैट्स व्हाई दे आर कंसीडर्ड टुगेदर राइट एक ही यूनिट जैसा कंसीडर करेंगे समझ में आया तो क्या आएगा इधर was because they will be considered as single unit horse aur ghoda gadi ek hi hoti na do alag alag cheez nahi hai lekin jab main idhar hu to bread and butter in the shop are stale bread and butter abhi ek hi nahi alag alag hai bread kahin aur karega butter kahin aur karega na aur koi kone mein pada rahega to abhi they no longer are same abhi alag alag ho gaye na to abhi kya aayega r samajh mein aaya difference first sentence aur third sentence mein difference samajh mein aaya first aur fourth mein idhar khate samay hum log bread ke upar butter laga ke khate hai that means wo dono ek hi cheez ho jate that's why kya aayega idhar is बट इधर वो शॉप में है जब तक दुकान में वो अलग अलग ही है ना दैट्स व्हाई क्या आ जाएगा आर दिस अगेन हॉर्स एंड कैरेज घोड़ा गाड़ी एक ही चीज है दैट्स व्हाई अगेन इज और ऑफ कोर्स ये तो 1+1, 2 वाला कॉन्सेप्ट है समझ में आना चारों सेंटेंसेस लिख लो कौन सा वाला नहीं समझा बोला Somebody said something. नहीं समझा आई डिडंट मैंने पूरा आवाज नहीं सुना आपका ओके ठीक है हो गया लिख क्या लिमो दिस यस सर ओके
अच्छा नेक्स्ट वन ईच एंड एवरी वन वॉज विलिंग टू पढ़ और वर विलिंग टू पढ़ वॉज वाई वॉज पीपल आर सेइंग वॉज क्यू एनी रीजन सर क्योंकि ईच एंड एवरी वन मतलब एक सिंगुलर उसकी बात हो रही है ओके असली सही होगी इट वॉज अ वर वर सिंपल रूल है कोई भी नाउन के पहले ना ईच या एवरी जैसे वर्ड्स आते ना तो वी ऑलवेज यूज अ सिंगुलर वर्ब ईच एंड एवरी जब भी आते ना दिस आर इंडेफिनेट प्रोनाउंस और ईच और एवरी जब भी कोई नाउन के पहले आते ना लाइक ईच प्लस कोई नाउन रहेगा या एवरी प्लस कोई भी नाउन रहेगा तो इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब ओके तो इधर वर्ब नहीं आएगा इधर वॉज ही आएगा उन लोग का प्रोनाउंस हो गया ना नहीं हुआ प्रोनाउंस डन ना One, 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 each and every one, each and every man, each and every woman. So, one over here. Each and every woman hota na, each and every boy, each and every girl, वैसे. Done, ये clear है? Each and every one is a distributive pronoun है group में से individual को point करते हैं यानी if there is a group ना तो each and every one is to come यानी हर एक को आना है यानी it will point to one out of the group okay नेक्स्ट वन अरे इसको तेरे टीम में ले लेना गर्दन दुखेगा क्या आएगा आ सकता है मैनी अ मैन और आगे ए मैन और मैन मैन एम ए एन अभी आ गया ना फिर मैन आएगा और आगे हाउ Have. Again, the rule is many are the we use this combination singular noun and singular verb okay the singular noun will be man and singular verb will be as
एक गलत और एक सही आएगा तो अच्छा दैट वे बट दे विल तो वो लोग ऑप्शंस पे दे विल गिव इट लाइक दिस ना बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दे विल गिव इन दैट वे ओनली ना देन सर ओके हो गया ना चलो राइट द नेक्स्ट वन जल्दी जल्दी नेक्स्ट वन लिखो एस जब बोथ ऑफ यू हैव ये जब कॉम्बिनेशन आएगा ना नो वन सम वन एनी वन समबडी नोबडी तो ऑलवेज दे कैरी अ सिंगुलर वर्ब ओके हैज आएगा इधर सिंगुलर चाहिए ना ये रूल है क्या बोला है नो वन एनी वन समवन आएगा तो हमेशा हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं तो इधर हैज ही आएगा हैव इज प्लूरल ना This was sentence number. सर द के बाद क्या लिखा है ईच ऑफ द मैन या मेन इज ऑप्शन ओवर हियर और हैज और हैव नहीं रजिस्टर्ड फॉर द ब्लड डोनेशन कैंप
registered for the blood donation camp. Man has. Now, man or? अभी ये नीचे आ गया तो ऊपर वाला चेंज हो गया. Each of. Now this rule is applicable for all three things. इनको दिखेगा क्या मैं नीचे डाल. और जब ये वाला कॉम्बिनेशन रहेगा ना ईच ऑफ द आइदर ऑफ द नाइदर ऑफ द तो हमेशा सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा. दैट इज द नाउन विल बी प्लूरल एंड द वर्ब विल बी सिंगुलर. ये ऑफ द नहीं रहेगा ना डायरेक्ट ईच आइदर नाइदर जैसे इसमें ऑफ द नहीं डायरेक्ट सब्जेक्ट रहेगा तो इट विल बी सिंगुलर सब्जेक्ट एंड सिंगुलर वर्ब. क्लियर है? अभी बोलो फर्स्ट वाला आंसर क्या होगा. ईच ऑफ द तो प्लूरल सब्जेक्ट चाहिए ना तो क्या आएगा मैन दिस विल बी रॉन्ग और ये सिंगुलर ही रहेगा राइट. और सेकेंड वाले में ईच मैन या मैन ईच के साथ क्या रूल है सिंगुलर का. मैन मैन कुछ रूल्स है जो तुमको बाहर करने पड़ेंगे लाइक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है ना वैसे. Back up. Who are giving the exams tomorrow? कल किसी का है? तेरा सेंटर? आने वाले थाने वालों का भी पनवेली आया. साथ में सेम शिफ्ट है? गर्ल्स में से कोई नहीं? Thank you.
done, sir. Okay, wait. People are writing. Now the next one. The new people try this now. Nay. Try karo ye wala. You and I am going out ya are going out. Wait, let the new people try first. कितना टाइम लगता है डिनर पे जाने के लिए सोचने के लिए आंसर बोलो एम आएगा क्या आर आएगा एम 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 आर एम या आर एम अश्लेषा बाय आर हाँ नॉर्मली ये कंफ्यूजन होता है देखो ये आई को देख के नहीं डालना है इसमें हेल्पिंग ऑफ राइट आई इसलिए एम नहीं डालना है एक्चुअली एंड आ गया ना बीच में हम लोग ने इसके पहले एग्जांपल किया था राम एंड अतुल आर गोइंग राहुल एंड अतुल आर गोइंग या इज गोइंग आर गोइंग ना तो वही वन और वन टू हो जाते ना तो एक और एक मिला के दो वही कॉन्सेप्ट रहेगा ये आई कुड नॉर्मली वही होता है मिस्टेक आई है तो जल्दी से हम लोग ये कर देते हैं बट इट्स नॉट अबाउट आई इट्स अबाउट टू पर्सन ना तो एंड है तो वन प्लस वन टू आ जाएगा दैट्स क्या हो जाएगा समझ में आया ना डन हो गया मतलब बॉडी का पूरा पार्ट चला गया बॉडी तुम्हारी पैर बच गए Okay, the next one.
5 kilometers was the hour. Why was, why not were? Was. Particular unit, okay. Number is there. Others, the reason for using was? Don't go either kilometers, huh? कभी भी फिक्स क्वांटिटी होती है, जैसे इसमें 5 फिक्स्ड है ना, बिफोर एनी यूनिट ऑफ मेजरमेंट, लाइक टाइम या किलोग्राम रहेगा, किलोमीटर रहेगा या आर्स रहेगा, लेकिन फिक्स नंबर है, तो इसका हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आएगा. 5 इज अ फिक्स नंबर ना, फिक्स क्वांटिटी का मतलब ये फिक्स हो गई ना, तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ फिक्स क्वांटिटी देन ऑलवेज सिंगुलर वर्ब यूज होता है, राइट. उसकी जगह 5 किलोग्राम्स रहेगा तो भी सिंगुलर ही आएगा, 5 ईयर्स रहेगा तो भी सिंगुलर ही आएगा, समझ में आया ना. तो नंबर अगर फिक्स है तो आगे that doesn't matter if it is singular or plural, you will always use the singular verb. Okay, सर. हाँ बोलो, हो गया. ओके वेट, ओके बोलो क्या आएगा इसमें, वॉज या वर? वॉज. वॉज वेयर? सर प्रेजेंट के बाद क्या है? फॉर द फंक्शन. असली सही सर वर, यू आर सेइंग वॉज. बॉयज वॉज या वर? वॉज. पीछे you are going with what? Confused? Why was you bola? Was bola? Teacher,
मेरे समझ में आया लेकिन भावनाएं प्रकट नहीं हो रही. यू ऑल्सो सेड वॉज अ वर्ब. वर्ब वाई एनी स्पेसिफिक रीजन? ओके टीचर्स है प्लूरल इसलिए. और बॉयज में से वर्ब बट वाई टीचर्स है इसलिए. यू सेड वॉज वाई आप लोग ने वो एज वेल एज का क्या रूल पढ़ा था? सबसे पहले वाला रूल देखो जरा. एज वेल एज वो कॉम्बिनेशन क्या पढ़ा था? एज वेल एज अलोंग विद टुगेदर विद रहेगा तो क्या करते हैं हम लोग? तो फर्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं ना. मैं एग्जैक्टली उल्टा होगा. नाइदर नॉर आइदर नॉर होगा तो हम लोग हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट देखेंगे. समझ में आया? अच्छा मैंने इसमें सब्जेक्ट बताओ कौन से कौन से? विच आर द सब्जेक्ट्स इन दिस सेंटेंस? टीचर्स जब भी ऐसे वाला पहले समझ लो ना, मैं लिखने को टाइम दूंगा. जब भी ऐसे वाला कॉम्बिनेशन है ना, इधर समबडी प्लस सम नॉट दिस, इधर सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू, नॉट ओनली सब्जेक्ट वन बट ओनली सब्जेक्ट टू, तो हमारा जो वर्ब आएगा ना दैट शुड एग्री विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट. वो जो पहला सबसे पहला रूल किया था ना उसमें क्या किया था? फर्स्ट सब्जेक्ट देखा था ना. फर्स्ट सब्जेक्ट के लिए वर्ड क्या था? कौन से? अलोंग विद एज वेल एज टुगेदर विद. तो तभी फर्स्ट सब्जेक्ट देखना है. और ये कॉम्बिनेशन आएगा नाइदर नॉर आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो सेकंड सब्जेक्ट देखा. इसको एग्जैक्टली उल्टा रूल है ये. ओके तो आंसर क्या आएगा फिर इसमें बोलो पहले. वॉज क्योंकि इधर मेरा सेकंड सब्जेक्ट प्लूरल है ना, सिंगुलर है ना, सॉरी. इधर क्या आएगा? वॉज. Done, sir.
शूट के बाद फॉलो लिखा है। Anything wrong with this sentence? Everyone should follow their principles in life to succeed. Principal है नहीं वो school college वाला नहीं है, ये तो उसको follow करने को जरूर करो against सब है वगैरह। Principal का spelling गलत है। Yes. ये principal अच्छा you're talking about this? ये वाला कौन हो गया स्कूल कॉलेज वाला स्कूल का वो प्रिंसिपल क्या हो गया हाँ हेडमास्टर वो प्रिंसिपल क्या हो गया हाँ वसूल क्या उसूल एथिक्स राइट ना हाँ बोल सर शूट के बाजू में क्या लिखा है उसके बाजू में फॉलो सॉरी आवाज नहीं है प्लीज रिपीट अगेन एवरीवन शूट लिखा है ना उसके बाजू में क्या लिखा है लाइट गिर रहा है वो नहीं दिख रहा है Your voice is too slow. I mean, your voice is too low. Sorry. Follow. आवाज़ ही नहीं आ रहा. Follow लिखा है. Follow. Just a minute. I just try to raise the volume. हाँ बोलो अभी. Sorry. Everyone should लिखा है ना सर उसके बाजू में क्या लिखा है लाइट गिर रहे तो दिख रहा ही नहीं दे रहे. Follow there. Follow. Thank you sir. Follow their principles in life. ठीक है. Thank you sir. Okay. बोलो anything wrong with this? ये किया है हम लोगों ने आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट यू विल गेट द आंसर देयर क्या गलत है उधर बोलो आई विल वेट टिल एटलीस्ट वन ऑफ यू गेट्स द आंसर क्योंकि हुआ है तुम लोगों के साथ रूल मिला हाँ कुछ तो गलत है तो फिर अभी तक क्यों रुका था तू हाँ किधर क्या आएगा फिर बाय करेक्ट है बट बाय ये देर की जगह फिर आएगा हाँ या ना जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ग्रुप रहेगा और अगर जेंडर स्पेसिफाइड नहीं रहेगा तो वी गो बाय द मैस्कुलिन जेंडर राइट ना किया था नहीं अगर ये ग्रुप में एवरीवन में मुझे पता नहीं है आई एम टॉकिंग अबाउट फीमेल्स और मेल्स आई डोंट नो तो जब मुझे जेंडर पता नहीं है तो वी प्रेफर द मैस्कुलिन जेंडर इसलिए ईच ऑफ द गर्ल्स वगैरह रहेगा तो हर आएगा बट व्हेन द जेंडर इज नॉट स्पेसिफाइड विल गो विद हिज ओके So you're not using there because we'll give more priority to masculine gender. There may be so there may be no gender. नहीं है ना? हो गया done? हो गया? Values of morality is always important, yeah, are always important. The new ones I'll try first, then I'll come to the oldest school.
और लेट द न्यू पीपल ट्राई. क्या लग रहा है? इज या आर? आर. पीछे लास्ट बेंचेस, लास्ट बेंच इज आ सकता है कि आर आ सकता है? बोलो तुम्हारा इंटरप्रिटेशन. Values of morality is always important, like are always important. Confused? First, दोनों जन बोलो क्या लग रहा है? Are 50-50. Is या are? राम तेरा? You are thinking is Q R Q? वैल्यूज है इसलिए. एज भी हो सकते हैं. ओके नहीं, इसमें सिंपल सा रूल है. वी हैड डन दिस, ये भी रूल किया था. नाउन ऑफ नाउन का स्ट्रक्चर किया था. अच्छा ये बोलो मुझे, स्कूल ऑफ बॉयज इज गोइंग फॉर अ पिकनिक या आर गोइंग फॉर अ पिकनिक? इज क्यू, इज क्यू डाला. ऑल ऑफ यू गोइंग विद इज आर, पहला वो बोलो. इज लग रहा है या आर लग रहा है? इस लग रहा है सब लोगों को, तो क्यों लेकिन इस क्यों लग रहा है? हाँ ये स्ट्रक्चर पहले देखो, यही स्ट्रक्चर है, सेम स्ट्रक्चर में मेरा नाउन फर्स्ट नाउन और ये सेकंड नाउन, राइट? डिफरेंस क्या है? मेरा फर्स्ट नाउन सिंगुलर है, सेकंड नाउन प्लूरल है. ये मेरा सिंगुलर और ये प्लूरल है. तो जब भी ऐसे नाउन ऑफ नाउन वाला स्ट्रक्चर आता है ना, तो अगेन द सेम थिंग, द वर्ब विल एग्री विद द फर्स्ट नाउन. The verb should be in accordance with the first noun. समझ में है ना? Noun of noun. तो ये भी वैसे ही structure है. Values of morality, noun of noun वाला structure है ना? तो मेरा verb किसके according डालू? Values के या values? तो क्या आएगा? Arya is. Values singular plural है ना? Value नहीं, values है. Right? Morality singular. तो मेरा जो verb रहेगा, वो according to the first subject रहेगा, first noun रहेगा. Okay? It should be R. तो ये भी लिख लो, जरा नाउन ऑफ नाउन स्ट्रक्चर आ जाए तो वर्ब विल ऑलवेज एग्री विद द फर्स्ट सब्जेक्ट. सर वॉइस नहीं आ रहा.
डन ना? सर बैच के बाद क्या लिखा है वो? एक मिनट। टू स्विम इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज और सेकंड वन लिखा है टू स्विम एंड टू रन इज या आर द बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। फर्स्ट में कुछ नहीं, फर्स्ट इज राइट ना, सेकंड वन आई हैव टू चूज ऑफ। सर आपका, हाँ बोलो सर, स्क्रीन स्टक हो रहा है, चिपक जा रहा है बार बार, वीडियो पॉज हो गया। मैं चेक करता हूँ, एक मिनट में चेक करता हूँ, एक मिनट। हाँ वीडियो पॉज हुआ है। Audio is clear, na? Yes, sir, audio is clear. So, what is the issue then? Sometimes video pause ho jata hai, sir. ओके, नेटवर्क का इश्यू है, नेटवर्क। ओके, फर्स्ट सेंटेंस में और सेकंड सेंटेंस में क्या डिफरेंस है बोलो? पहले में इज आएगा, सेकंड में आ रहेगा, राइट? बट हाउ इज इट डिफरेंट? फर्स्ट इसमें सिर्फ स्विम को ही कंपैरिशन किया है, सेकंड सेंटेंस में स्विम एंड रन। सेकंड में इस आएगा? आर। आई एम आस्किंग यू, लेकिन क्या और क्या डिफरेंस है? हाँ, फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस क्या है दोनों सेंटेंस में? इन्फिनिटिव सुने? इन्फिनिटिव What are infinitives? English grammar में सुना है? Verb के पहले if we add two, so that is called as infinitive. Verb को verb को two जोड़ जाता है ना, तो it becomes infinitive. Okay? तो इसमें single infinitive है, right? और इसमें double infinitive है. That's all. वही difference दिखाना था. So the rule will change about single infinitive के लिए singular verb, double infinitive के लिए plural verb. That's all. Okay? आ आएगा उधर. Just there is a rule, single infinitive is always followed by singular verb, double infinitive is followed by plural verb, that's all. Same ही rule है. खाली just remember, कोई verb के पहले two जोड़ता है तो उसको हम लोग infinitive बोलते हैं, that becomes infinitive. Okay?
हेलो सुधीर सर। यस बोलो। मुझे एक डाउट था। हाँ बोलो ना। हाँ, ईच ऑफ द बॉयज होगा कि बॉय होगा? ईच ऑफ द बॉयज होगा इसका? इसमें नहीं नहीं वो नॉर्मली मैं ऐसा पूछ रहा हूँ, मैं मॉक टेस्ट दे रहा था तभी आया था। ईच ऑफ द बॉयज होगा कि एस होगा कि बॉय होगा? ईच ऑफ द के साथ बॉयज होगा ना, प्यूरल होगा ना? हाँ, ईच ऑफ द होता है ना, मैं वापस लिख देता हूँ एक मिनट, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब रहेगा और खाली ईच रहेगा, ऑफ द नहीं रहेगा। तो सॉरी, सिंगुलर सब्जेक्ट और राइट। तो ईच, अभी आपने जो क्वेश्चन पूछा उसके लिए कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? फर्स्ट वाला, ईच ऑफ दी था। और सर ऑल रहेगा तो ऑल बॉयज या बॉय रहेगा? सॉरी, ऑल ऑल बॉय रहेगा या बॉयज रहेगा? ऑल के साथ बॉयज ही रहेगा ना, ये रूल खाली ईच के लिए, नाइदर के लिए, आइदर के लिए, ईच आइदर या नाइदर के लिए। ओके, ऑल मेनी सर्टन होता है ना, तो हमेशा सब्जेक्ट ही आता है। ऑल मेनी वेरियस, ये जब वर्ड्स आएंगे ना उसके बाद प्लूरल नाउन ही आता है। ओके, तो अगर ऑल रहेगा तो ऑल ऑफ द बेस्ट, अभी वन ऑफ द बेस्ट ऐसा कुछ लिखा रहेगा तो प्लूरल आता है, वन ऑफ द बेस्ट मूवीज, तो उसको वर्ब भी सिंगुलर रहेगा ना सर? हाँ, that will be followed by singular, one है ना, each, every, one, okay, clear? okay, हाँ As लिखा रहेगा, ऑप्शन दिया था मैंने ना इसमें। विच क्वेश्चन, टेल मी द क्वेश्चन नंबर, एक मिनट। जस्ट रीड आउट द सेंटेंस, को मुझे क्वेश्चन नहीं मिल रहा, एक मिनट, वेलकम टू यू, वेट। As दिया है ना, As ही रहेगा। निकाल दू ये, डन। मैंने कुछ सेंटेंस लिखा था क्या? आई डोंट रिक्लिक, नया सेंटेंस लिखा था? नहीं ना,
अगेन रेज योर हैंड्स, ये बेसिक सा रूल है, पता रहेगा शायद से. द राइटर एंड पोएट इज या आर कमिंग ऑन द स्टेज फॉर गिविंग द स्पीच. आर 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 ओके आर इज this said is why is aisa kyun lag raha hai to ek hi hai okay kaise pata chal dono ek hi hai ha the first sentence नाउ सेकंड वाले में इसमें कैसे फर्क पड़ गया. इधर मैंने आर्टिकल एक ही यूज किया ना, इधर दोनों के साथ अलग अलग दो सब्जेक्ट्स है ना, राइटर और दोनों के साथ अलग अलग सब्जेक्ट यूज किया. दैट मीन्स व्हाट, ये दोनों अलग अलग है, ये बोथ आर डिफरेंट पीपल, जब क्योंकि दो आर्टिकल यूज किए राइट, तो इसके साथ क्या आएगा आर. और इधर एक ही आर्टिकल यूज किया ना, यानी दोनों एक ही है, बोथ आर वन एंड द सेम. यानी जो राइटर है वही पोएट भी है, जो लेखक है ना वही कवि भी है, समझ में. दे आर वन एंड द सेम पर्सन, क्योंकि एक ही आर्टिकल यूज किया. इधर इसलिए क्या आएगा इस, ओके सर. अगर राइटर एंड पोएट होगा तो इफ द आर्टिकल यूज नहीं किए तो देन उधर 1+1 2 वाला हो जाएगा. लेकिन नॉर्मली वी विल बी यूजिंग आर्टिकल सर, विदाउट आर्टिकल वी कांट यूज द सब्जेक्ट. ओ आएगा या दो आएगा, इसका को यूज करना पड़ेगा. का मतलब होता है, ये भी लिख लो, दोनों अलग अलग हो गया, उसमें सेम हो गया. ओके
हो गया फिनिश्ड? कितने सेंटेंस हो गए अभी? 20 20 21. हाँ, जो ईपी से केस ऑन दैट बेसिस ना, मैं ऑन दिस रूल्स ओनली मैं दो तीन ज्यादा सेंटेंस मिक्सअप करके देता हूँ, जस्ट ट्राई टू आंसर देम इन द राइट वे. ओके, एक तीन सेंटेंस देता हूँ मैं आपको, जस्ट ट्राई टू आंसर देम इन द करेक्ट वे. Each one of them do individually. अगर मुझे खाली जगह पे बुला दो तो that I'll get a confidence. तुम लोगों को समझ में आया concept? Answer बोलो मत, लिखो खाली, mark करो. I'll just come to your places and see the answers. Because some people grasp it very fast. कुछ लोगों को time लगता है concept समझने में. गया हो गया.
एक मिनट बोलो एथिक्स इज लाइक फिजिक्स इट्स अ सब्जेक्ट ना एक विषय है ना फिजिक्स मैथमेटिक्स इनिंग्स क्लियर नाउ देयर आर सम फाइव और सिक्स रूल्स रिमेनिंग येट तुम लोग का एरर स्पॉटिंग हुआ था क्या लास्ट लेक्चर वी आर डन नॉट दैट क्लास वाला टेस्ट नहीं अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ अलग आई हैव टेकन सम 15 टू 20 सेंटेंसेस अलग से बॉयज तुम लोग का एरर स्पॉटिंग हुआ था क्या क्लास वाला नहीं जो नॉर्मल नहीं नहीं टेस्ट जो हुआ था ना आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एरर स्पॉटिंग वाला टेस्ट जो हम लोग ने डिस्कस किया था उसके बाद कुछ हुआ क्या अलग इन जनरल सबका मिक्स नाउन का हो गया प्रोनाउन का भी हो गया आई थिंक ना टेंसेस का भी हो गया टेंसेस नहीं हुआ तुम लोग का टेंसेस किसका बाकी है फिर इन द इवनिंग टेंसेस इवनिंग बैच में लिया ही नहीं है एक भी लेक्चर नहीं है पक्का आई मीन द स्टार्टिंग लेक्चर भी नहीं हुआ एक भी नहीं हुआ आई थिंक एक एक लेक्चर हुआ था तीनों बैचेस आर यू श्योर 7 to 9 में 5 to 7 लिया था मैंने पैराजम्बल्स इज डन हाँ पैराजम्बल्स भी बाकी है लास्ट टाइम व्हाट वी आर डूइंग पैराजम्बल्स और एरर स्पॉटिंग लास्ट लेक्चर लास्ट टू लास्ट में क्या किया था ओके I think there are 5 or 6 parajumbles still left. मैंने भेजा था ना ग्रुप पे वो बेसिक लेवल वाले लिए थोड़े बड़े लेवल बैंकिंग लेवल वाले बाकी है राइट सो आई कंप्लीट दिस टॉपिक एंड
फिर नेक्स्ट लेक्चर क्या करूं, क्लोज टेस्ट लूं या पैरा जंबल्स लूं? पहले कब आल आई थिंक आई कंप्लीट पैरा जंबल्स देन विल गो क्लोज टेस्ट. पता है किसने किसने दिया, प्लीज किसने किसने दिया, वो लोगों को बता देगा. कैन 1 2 3 दिया. ठीक है, तो व्हाट विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर, पहले इसके कुछ 4-5 रूल्स बाकी है, आई विल कंप्लीट दैट देन आई विल गिव अ स्मॉल टेस्ट. बॉयज सुनो बॉयज, ये 4-5 रूल्स बाकी, आई विल कंप्लीट दैट, आई विल गिव अ स्मॉल टेस्ट बेस्ड ऑन दिस रूल. एक 10-12 सेंटेंस का छोटा सा टेस्ट दूंगा इसके ऊपर, और बाद में विल कंप्लीट द पैरा एग्जांपल्स. ओके, एंड देन इन द उसके बाद विल गो विद क्लोज टेस्ट, राइट? ठीक है, चलो. ऑनलाइन पीपल थैंक्स फॉर अटेंडिंग. बाय सर. थैंक यू. या बाय. बाय सर. थैंक यू. बाय बाय.